नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पूरे झारखंड सहित जमशेदपुर में कोरोना की तीसरी लहर की वर्तमान भयावह स्थिति के बावजूद शहरवासी सजग नहीं हो रहे हैं। मंगलवार से झारखंड सरकार ने रात्रि लॉकडाउन लगाते हुए इससे संबंधित कई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें समारोह, खेलकूद, पार्क, भीड़भाड़ वाले बाजार, हाट पर पाबंदी लगाते हुए लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाते हुए मास्क पहनने की हिदायत दी है। बावजूद मंगलवार को साक्षी और बिष्टपुर बाजार में बेतहाशा खरीदारों की भीड़ देखी गई। साक्षी बाजार में गाइडलाइंस का अवहेलना करते हुए मंगला हाट भी लगाया गया था, जहां बेपरवाह लोग नवजात बच्चों के साथ बिना मास्क के खरीदारी करते हुए देखे गए। कई दुकानदारों को भी बिना मास्क लगाए देखा गया और जब उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो कईयों ने तो यह तक कह डाला कि घर में मास्क छूट गया है तो मैं क्या करूं। तो कुछ लोगों ने पॉकेट में मास्क होने की बात कही तो कुछ लोगों ने कहा अभी तो भोजन किया था इसीलिए मास्क नहीं लगाया है। कुछ महिलाओं ने तो इतना तक कह डाला कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे, सांस फूलने की बीमारी पहले हो जाएगी, इसलिए हम लोग मास्क नहीं पहनेंगे। इसी तरह से बिना मास्क के छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए आई महिलाओं से जानकारी लेनी चाहिए तो तुरंत ही आंचल से मुंह ढक कर कैमरे से बचते हुए चले गए, तो कुछ लोगों ने कैमरा देखकर मुंह छिपाने का प्रयास करने लगे। अब ऐसी स्थिति में लोग पुलिस और पत्रकारों को देखकर मास्क पहनने का प्रयास करेंगे तो किस तरह से हमारा जिला, हमारा जमशेदपुर तीसरा वेव के भयावह स्थिति से बच पाएंगे। वैसे जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों, मुख्य मार्गों में कोरोना जांच टीम रखकर लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है। साक्षी गोल चक्कर में भी एक टीम को रखा गया है, साथ ही पुलिस भी मौजूद थी लेकिन वे मंगला हाट और भीड़भाड़ को रोकने में नाकामयाब रही। इस मामले में डॉक्टर शाहिर पॉल ने कहा कि बीते दिन 600 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक ही 300 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। ऐसे में माना जा रहा है कि मंगलवार के देर शाम तक संक्रमितों की संख्या 400 पार हो जाएगी। ऐसे में जिस तरह से शहर के बेपरवाह लोग गाइडलाइंस का अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में तीसरे लहर की भयावह स्थिति का रूप लेने से रोका नहीं जा सकेगा। पहने क्या कारण है? हाँ, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहने हैं? आप पकी लगते हैं। हाँ, आप पकी लगते हैं। आप पकी लगता है? हाँ। बीमारी हो रहा है, पता है ना? पता तो है, लेकिन बीमारी से बचेगा तो आप पकी से बचेगा। अच्छा, वही तो बात है ना। मास्क क्या नहीं पहने? हाँ, आप दुकानदार हैं? बोले क्या बात? मास्क नहीं पहने आप? अच्छा, बैठे हुए खाना खाने जाए तो दूर खाते हैं। पता नहीं किस तरह से बीमारी फैल रहा है। खाना खा कर गया सर? खाना खा कर। ठीक, मास्क जानता है ना फैल रहा है तो पहना क्यों नहीं? भूल गया मैडम। ये जो अभी थर्ड वेव का शुरुआत हुआ है, पिछले एक हफ्ते में के दौरान 600 केसेस अभी तक मिल चुके हैं यहाँ पर, और उम्मीद है कि आज भी 300 का आंकड़ा पार होगा। और जिस हिसाब से साक्षी बाजार में या विष्णुपुर बाजार या कोई भी बाजार में जो भीड़ है, अभी साक्षी बाजार में जो भीड़ आपने दिखाई तस्वीर, उसमें इस तरह से अगर करेंगे तो हम लोग कोविड को रोकना पॉसिबल नहीं होगा। प्लीज सबसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि प्लीज अपने घर पे रहें और मास्क पहने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। इसी से हम लोग इस संक्रमण को रोक सकेंगे, वरना ये बढ़ते ही जाएगा इसी तरह और सारे लोगों को परेशानी होगी। तो जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसको प्लीज फॉलो करें, और फॉलो करने से इसी में बचाव है। और साथ ही साथ अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो प्लीज जाकर वैक्सीन लें,
वैक्सीन लेना निहायत जरूरी है ताकि ये संक्रमण को हम लोग रोक पाएंगे। थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।